पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की बिग ब्रेकिंग ये है कि ईवीएम वाले वीडियो पर चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया है। चुनाव आयोग ने 4 पोलिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। सोर्सेज ये बता रहे हैं जो संबंधित बूथ था जिस पर रीपोलिंग के भी आदेश हैं, तो ये बड़ा फैसला, वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया जो संबंधित बूथ हैं उस पर रीपोलिंग के आदेश हैं और साथ ही ऑफिसर्स को भी 4 पोलिंग ऑफिसर्स को सस्पेंड इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है। पीयूष पांडे मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, ये वीडियो हम सब ने देखा था लेकिन इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, इस पर क्या जानकारी इस फैसले को लेके? जी पूर्णिमा, देखिए इलेक्शन कमीशन की मीटिंग इस मामले में अभी निकल के सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने संबंधित 4 अधिकारी थे चुनाव से संबंधित उनको निलंबित कर दिया है और इस मामले में रीपोलिंग पर जल्द ही आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि रीपोलिंग कराने का आदेश चुनाव आयोग की ओर से किया गया और फिलहाल 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में ये बहुत ही गंभीर मुद्दा था और चुनाव आयोग की लंबी बैठक करीब ये जो है असम का ये पत्थरकांडी विधानसभा क्षेत्र है, इसी से जुड़ा ये वीडियो वायरल हुआ था जब ईवीएम मशीन दिखी थी जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया और ऑफिसर्स को भी सस्पेंड कर दिया है, रीपोलिंग के आदेश भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष आरोप।